एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुपमा, स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा लाइफ स्टाइल में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं बंगाली साड़ी कि आप कैसे उसको कैरी कर सकते हैं, और बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगी। ये मैंने जो कैरी किया है ये बनारसी की साड़ी है, और आप जो बंगाली जो सॉन्ग नॉर्मल आता है वो आसानी से कैरी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हैवी साड़ी है तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत आया, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हैं, देख लेते हैं कि मैंने साड़ी कैसे कैरी। तो गाइस, यहाँ पे मैंने बनारसी सिल्क का साड़ी लिया है। आज मैं आप लोग बंगाली स्टाइल में दिखाऊंगी कि कैसे साड़ी कैरी करते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे मैंने अपना पैंट मैंने पहना है, आप चाहें तो यहाँ पे पेटीकोट पहन के अपने साड़ी को टक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो पैंट पहन के मतलब करते हैं, या लेगी पहन के आप कुछ भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं टक कर लूँगी, जैसे कि नॉर्मल साड़ी आप पहनते हो वैसे ही आपको करना है। तो चारों तरफ से आपको टक कर लेना है, फिर आपको प्लीट्स बनानी है, जैसे कि आँचल का जो प्लीट्स बनाते हैं वही ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आँचल, ये देखो मेरा आँचल है, और ये साड़ी मेरी बहुत हैवी है, बहुत हैवी है, मतलब कि बनारसी साड़ी है। तो यही मैं पहन के आप लोग दिखा रही हूँ कि, और बंगाली साड़ी आप पहनोगे ना तो बहुत आसानी से बहुत तेज़ी से सारी प्लेट्स वगैरह बन जाते हैं, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो ये देखो मैंने सारे प्लेट्स को सेट कर लूँगी, आपको सारे को मतलब एक इक्वल में आपको सेट करना है। ये देखो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, उसको झटकते हुए नीचे तक आपको लाना है, और क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, और सारे को मतलब चिपका चिपका आपको सेट कर लेना जैसे कि मैं कर रही हूँ। और उसको एक बेबी पिन के द्वारा मैं इसको सेट कर ले रही हूँ इसको, या कोई भी आप नॉर्मल पिन लगा के उसको सेट कर सकते हो। तो मेरा ये बनारसी था, तो मैं जो मेरा पिन था मतलब हेयर पिन, उसी को मैं लगा के सेट कर ले रही हूँ। और ये देखो इसको सेट करते जा रही हूँ, ऊपर नीचे करते जाएंगे, उसको अच्छे से सेट करेंगे और पिनअप करते जाएंगे उसको। अगर आप पिनअप कर लोगे ना तो आपका जो प्लेट्स रहेगा ना तो इधर उधर नहीं होगा, एक साइड इक्वल रहेगा। तो वही मैं देखो सेट करते हैं, उसको चिपकाते जा रहे हैं ताकि अच्छे से एकदम से पूरे अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखो, और उसको बराबर करते जाएंगे और पिन के द्वारा इसको सिक्योर कर लेंगे। तो इसको देखो पिन के द्वारा मैं इसको कर ले रही हूँ, तो ऐसे ही करके मैं तीन चार पिनअप द्वारा इसको टक करते जाऊँगी ताकि अच्छे से मेरा प्लेट्स होना अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद फिर मैं आगे का प्लेट्स बनाऊंगी। और इसका लेंथ जो होता है ना, जो बंगाली साड़ी आप पहनते हो तो उसका लेंथ थोड़ा लंबा रखना होता है, क्योंकि उसको फिर मैं पीछे से उसको आगे लेके आना होता है। तो आपको जो आपका पैर है उससे आपको नीचे तक इसका लेंथ लेना होगा। इसमें बहुत लंबा जो आँचल होता है ना उसको बहुत नीचे तक लेके जाते हैं, क्योंकि पीछे से उसको आगे लेके आना होता है। और जो फिर आगे का प्लेट्स बनाएंगे ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि उसमें जो बंगाली होते हैं बंगाली साड़ी पहनते हैं ना, उसका जो आगे का प्लेट्स होता है वो बहुत ही चौड़ी चौड़ी प्लेट्स बनती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन प्लेट्स ही बन पाती है। तो ये देख सकते हैं मेरा ये आगे का मैंने सारा अच्छे से मैंने प्लेट सही कर लिया है, मतलब सेट कर लिया, उसको मैंने अच्छे से पिनअप कर लिया है। और ये देख सकते हैं कि मैं देख रही हूँ, ये देखो पिनअप मैंने किया है ना, उसको फिर मैं देखूँगी कि मेरा लेंस सही है कि नहीं। तो ये देखो मेरा लेंस सही है, मतलब बहुत नीचे तक मैंने लिया था। फिर मैं आगे के प्लेट्स बनाऊँगी, तो आगे के प्लेट्स देखो इसको टक कर लेंगे ऐसे ही। और इसकी प्लेट्स जो होती है ना बंगाली साड़ी की, बहुत चौड़ी चौड़ी प्लेट्स बनती है। और ये देखो फिर इधर से टक कर लेंगे, तो मेरी एक प्लेट्स बन गई और एक प्लेट्स और बनेगी, मतलब दो प्लेट्स बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन प्लेट्स बनती है। तो ये देखो क्योंकि मैंने लेंथ जो आँचल का था ना बहुत लंबा लिया है, तो इस वजह से थोड़ी एक प्लेट्स कम बनी है, मतलब दो प्लेट्स बनी है, तो बहुत लोगों की तीन प्लेट्स बन जाती है। तो यहाँ पर फिर मैं आगे से ये इसको लेके फिर पीछे लेके जाएंगे, ये जो आँचल का होता है ना ये, फिर मैं पीछे इसको टक कर लूँगी पिन के द्वारा। तो यहाँ जो मैंने पिन से पूरा सेट किया था प्लेट्स बनाया था, उसको एक पिन करके उसको बाहर निकाल देंगे, मतलब उसके कोई ज़रूरत नहीं है, सेट हो चुका है मेरा। और इसको खींच के फिर पीछे जाके एक पिन के द्वारा इसको सिक्योर कर लेंगे, मतलब उसको टक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं खींच के ले जा रही हूँ, ये देखो, और यहाँ पे पेटीकोट मतलब जो मैंने पैंट्स पहना उसके साथ ही इसको टक कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये खिसके नहीं। और फिर ऊपर जो मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे पिन टक कर लेंगे ताकि ये भी अच्छे से सेट हो जाए, ताकि आप कुछ भी करो मतलब आसानी से हो जाए। और ये साड़ी पहनना बहुत ईजी है, बहुत ईजी और बहुत खूबसूरत भी लग रहा था। और ये मैं जो यहाँ पे मैंने पिनअप किया था इसको मैं निकाल लूँगी, और फिर इसको आपको पीछे से लेके आगे तक इसको करना है, इसको आपको सेट कर लेना है, आपका जो एक साइड का जो कोनी है उसको पकड़ के फिर ऊपर उसको टक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा पिन का नहीं, जो बेबी पिन होता है जो बाल में लगाते हैं उसी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि मेरा बनारसी साड़ी था, उस सब पिन लगाने से थोड़ा सा क्या होता है ना ख़राब हो जाता है इस वजह से। और ये देखो ये मेरा फाइनल लुक है, तो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना बंगाली साड़ी लुक।
तो बहुत ही अच्छा है गाइज, बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं नेक्स्ट टाइम दुर्गा पूजा में ऐसे ही लुक मतलब क्रिएट करूँगी। नवरात्रि का टाइम करते हैं बंगाली सब, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत पसंद है। तो ये देखो, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये मेरा लुक कैसा लगा। और बंगाली साड़ी के साथ साथ मैंने थोड़ा सा बंगाली लुक भी क्रिएट कर लिया था, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लुक के साथ साड़ी मतलब ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा लुक और मेरी साड़ी पहनने का तरीका कैसा लगा आप लोगों को। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर के कोई पैसे नहीं लगते यार, तो प्लीज़ कर दिया करें। और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाए। जिसको बंगाली साड़ी नहीं पहनना आता है वो भी सीख लेंगे कि बहुत ईजी है। तो ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये लुक कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज, बाय बाय।